अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एश टेक। और आज का जो टॉपिक है, ये जो आप मदरबोर्ड देख रहे हैं, तो ये इंटेल का G41 मदरबोर्ड है। ठीक है, तो इस मदरबोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, मींस नो डिस्प्ले का इशू है इसमें। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहले ये बात बता दूँ, तो नो डिस्प्ले मतलब कि ये उसका मतलब क्या होता है, मतलब ये जो फ़ैन है यहाँ पे ये घूमता रहता है, ठीक है, लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आता है, ये हुआ नो डिस्प्ले। ओके, या SMPS का यहाँ पे फ़ैन है, ये भी मूव करता रहता है लेकिन मॉनिटर पे कुछ भी नहीं आता, तो ये है नो डिस्प्ले का इशू। अभी इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम हो सकता है, इसके नीचे जो प्रोसेसर लगा है, तो वो प्रोसेसर अगर ख़राब है, वो अच्छा नहीं है, या कहीं पे पिन इसके जो नीचे होता है वो गड़बड़ होता है, तो उसके वजह से डिस्प्ले नहीं आता है, मींस प्रोसेसर को चेंज करके एक बार देखेंगे। दूसरा इशू जो हो सकता है वो है ये SMPS, ये SMPS पे भी प्रॉपर अगर कहीं पे कुछ कटा है या अंदर में कुछ प्रॉब्लम है SMPS के अंदर में, तो इसके वजह से भी डिस्प्ले नहीं आता है। ठीक है, और सबसे जो कॉमन रीज़न होता है नो डिस्प्ले इशू का, तो वो है ये रैम। जी हाँ, ये जो आप रैम देख रहे हैं ना, ये जो रैम है, इसके वजह से नो डिस्प्ले का बहुत सारा इशू आता है, बहुत इशू आता है। तो इसको सॉल्यूशन क्या है कि हमको जस्ट एक इरेज़र से इसको, जी ये इरेज़र से इसको यहाँ पे रब करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है तो स्विच देते हैं। देखिए, स्विच देते ही यहाँ पे एक लाइट जल गया है, अभी इसको ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे फ्रंट पैनल लिखा रहता है, उसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं, यहाँ फ़ैन मूव कर रहा है और ये भी SMPS का भी फ़ैन घूम रहा है, लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं आया स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो मींस मेरा प्रोसेसर भी यहाँ पे वो हीट कर रहा है, इसके नीचे जो हम लोग होता है चेक करेंगे तो प्रोसेसर होता है, ये देखिए प्रोसेसर भी हीट हो रहा है और फ़ैन भी घूम रहा है, SMPS का भी फ़ैन घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझको पता है कि ये रैम का इशू हो सकता है, तो चलिए एक बार रैम को चेंज करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, रैम को चेंज करना होगा, तो इसको यहाँ से बंद करते हैं हम लोग पहले। ये है इसका रैम, 1GB DDR2 रैम है। इसको जस्ट हम एक बार रब करके देखते हैं कि ये रैम में कोई ऐसा कार्बन जम जाने की वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है नो डिस्प्ले का। तो इसको जस्ट एक बार रब करके देखेंगे दोनों साइड में। ठीक है, रब करने के बाद अच्छा से इसको साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर भी जो है, कभी कदार फ्रेंड्स, ये स्लॉट में भी कचरा जम जाता है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से यहाँ से इसे ट्वीज़र की मदद से इस तरह से साफ़ करेंगे एक बार। ठीक है, अभी जो ये रैम हम लोग ने साफ़ किया है, इसको एक बार लगाते हैं और फिर चेक करते हैं क्या ये सॉल्व हुआ इससे कि नहीं। ये रैम लग गया, स्विच प्रेस करते हैं एक बार ऑन करके फिर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी भी डिस्प्ले नहीं आया है, तो रैम को दूसरे स्लॉट में एक बार लगा के देखेंगे हम लोग। ठीक है, रैम को दूसरे स्लॉट में अब लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है इसका एक स्लॉट ख़राब हो, तो इसलिए रैम को दूसरे स्लॉट में लगा के देखेंगे, हो सकता है आप लोग के साथ ये इशू हो। अभी मैंने रैम को दूसरे स्लॉट में लगा के देखा हूँ मैं, और फिर स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड,
ये कंटिन्यूस लॉन्ग बीप का साउंड दे रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रैम सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो अब हम लोग रैम को चेंज करेंगे, कोई दूसरा रैम लगाएंगे। इसको बंद करते हैं। फ्रेंड मेरे पास ये जो रैम आप देख रहे हैं 1GB DDR2, तो ये जो रैम है ये मेरा रैम बिल्कुल ओके रैम है, ठीक है। और ये जो बोर्ड है और ये रैम है ये कस्टमर का है। तो चलिए इसको रैम को चेंज करके देखेंगे अब, ठीक है। तो फर्स्ट स्लॉट इसमें ही लगाएंगे, पहले देखते हैं। ये हम लोग ने दूसरा रैम लगाया और ये पुराना रैम था, ठीक है। अभी एक बार देखते हैं, यहाँ पे फ्रंट पैनल को शॉर्ट करना होगा। ये देखिए ये एक सिंगल बीप का साउंड आया है, और ये देखिए डिस्प्ले भी आ गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब डिस्प्ले आएगा तो बोर्ड पे यहाँ पे एक कीबोर्ड पे लाइट जलेगा, और ये देख सकते हैं आप कि हमारा डिस्प्ले आ गया है, ठीक है। और ये देखिए बिल्कुल सब सही चल रहा है, ये देख सकते हैं ये डिस्प्ले आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि ये जो रैम है ये रैम ख़राब होने के वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा था। मेनली जो ज़्यादातर रैम का प्रॉब्लम होता है नोट डिस्प्ले के वजह से इस केस में, ठीक है। तो फ्रेंड ये रहा आज का वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अल्लाह हाफिज़।